तुम्हारा, बिजली हमारी, बदमाशी तुम्हारी। भट्टा महंगा, बिजली महंगी। ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और न मालूम फिर लोग कानून शिकनी करने पर मजबूर हो जाएं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भूख का आलम है और डेली मुजाहरे हो रहे हैं। मेरे और आपके उस बच्चे से दोबारा छीन लिया जाता है उसे खाने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उसे देखने के लिए बिजली में असर नहीं। आसे आटा, आसे आजादी, पीओके ने हरी बत्ती दिखा दी। आटे पर विरोध प्रदर्शन की आंधी पूरे पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन पीओके में तो आग लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। इस वीडियो को पीओके के नीलम घाटी का बताया जा रहा है। माइनस तापमान और भारी बर्फबारी के बीच सुबह सुबह एक हुजूम उमड़ा। ये न तो पर्यटक हैं और न ही इसलिए अपने घर से बाहर निकले हैं ताकि बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया जाए। ये सिर्फ इस वजह से हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा सके। हमारी वादी नीलम के अंदर वो रह रहे हैं, वो इस आवाज को और इस नोटिफिकेशन के तहत आज ही से वादी नीलम के आवाम को वो सबका रेट से भी कम रेट पर आटा देने की अहकाम जारी करेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं हुई, आटा में ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और न मालूम फिर लोग कानून शिकनी करने पर मजबूर हो जाएं। इस वीडियो को ट्वीट करने वाले प्रोफेसर सज्जाद के मुताबिक पीओके को आटा समेत खाने पीने के लिए मिलने वाली जरूरी सामानों पर वहां की सरकार ने सब्सिडी हटा दी है। ऐसे में एक दिन के अंदर पीओके में गेहूं की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ी है। आटे के लिए सरकारी डिपो भी बंद कर दिए गए हैं। पीओके के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती और इस वजह से युवा, वकील, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एकजुट होकर इस्लामाबाद की हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें पीओके के बाग शहर की हैं। महंगाई और आटे की किल्लत को लेकर लोग टायर जला रहे हैं, हुक्मरानों के पुतले जला रहे हैं। हमारा, राज तुम्हारा, बिजली हमारी, बदमाशी तुम्हारी। पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी आर्मी की जुबान भी आवाम के बुलंद इरादों को देखकर बदल गई। महंगाई के खिलाफ मार्च के दौरान एक जगह प्रदर्शनकारियों ने एक बस को घेर लिया। कहा जा रहा है कि उस बस में पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान भी थे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान उनके तेवर बेहद नरम थे। सुनिए पीओके में प्रदर्शनकारी ने पाकिस्तानी फौज को क्या क्या सुनाया। गरीब आवाम को कुचला जा रहा है 1300 से डायरेक्ट 1900 रास्ते में खड़े हैं बेचारों में क्या कसूर है फैमिलीज के साथ। सर हम भी खड़े हैं, सब आटा आटा सब खा रहे हैं, सब आटा खा रहे हैं। हां सब आटे के चक्कर में है, इनका कसूर यह है जुल्म पे खामोश रहते हैं। हां सिर्फ ये है कि इनका कसूर सिर्फ ये है कि जुल्म पे खामोश रहते हैं, ये बस फैमिलीज हैं, बस कोई डिस्टर्ब हो रहे हैं। पीओके में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों या किसी संगठन से जुड़े सिपहसालार, जिस तरह चुनावी रैलियां होती हैं, उसी तरह इन दिनों पीओके में लोगों के बीच रैलियां हो रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि महंगाई के खिलाफ आवाम लामबंद होकर आवाज उठाए। मसला ये नहीं कि महंगाई क्यों है,
मसला ये है कि मैं और आप जिस सितम जरेफी से जिस जुल्म में सहने पे मजबूर हैं, आखिर ये जुल्म क्यों है? सैनों को मफलूज किया जुल्म की गाली आंधी ने, आजादी के दीप चलाने कौन घर से निकलता है? सहरा पर्वत रेत समुंदर सभी रास्ता रोकेंगे, देखना है साथ हमारे कौन कहां तक चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस मंच से ये शख्स लोगों को संबोधित कर रहा है, उस मंच पर ये शख्स हाथ में रोटी लेकर, यानी मंच से सिर्फ भाषण ही नहीं संदेश भी दिया जा रहा है कि ये जंग रोटी के लिए है, ये जंग आटे के लिए है, ये जंग भूख और जुल्म से आजादी के लिए है। एक तरफ मुजफ्फराबाद की कठपुतली असेंबली के अंदर हुक्मरानों की अयाशी के लिए उनकी मरात में 13-1300 गुना इजाफा हो गया, और दूसरी तरफ मैं और आपके उस बच्चे से नवाला छीन लिया जाता है, उसे खाने के लिए आटा भी असर नहीं, उसे देखने के लिए बिजली भी असर नहीं। पीओके पर पल पर नजर रखने वाले वहां के एक्टिविस्ट बताते हैं कि 20 जनवरी को महंगाई के मुद्दे पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, यानी ये आग अभी और भड़केगी। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भूख का आलम है और डेली मुजाहरे हो रहे हैं, कल भी मुजाहरे हो रहे हैं, 20 तारीख को भी मुजाहरे हो रहे हैं, और ऐसे में जो है वो मेरी अब जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरीके से जो है वो पुंछ के रास्ते जो है वो खुलें और उधर से कारगिल और स्कर्दू के रास्ते भी जो है वो खुलें फौरी तौर पर, और वहाँ से कोई ऐसा तरीका हो कि जिसके ज़रिए जो है गंदम और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पीओके में पहुँचाई जाएँ। महंगाई इंतहाई अरूज पे है, आटा नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाला गिलगित बल्तिस्तान जो है ये अब मज़ीद पाकिस्तान के कंट्रोल में इसको रखना जो है वो अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अब चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की रिट को आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड में और गिलगित बल्तिस्तान में। क्योंकि के एक्टिविस्ट अहमद अयूब मिर्जा का दावा है कि जल्द ही पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को आजादी मिल सकती है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि हिंदुस्तान को पीओके की हरी झंडी भी है कि आइए हमें पाकिस्तान से आजाद कराइए। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।